ये खबर है भोपाल की। भोपाल के न्यू मार्केट में स्थित सेंटर पॉइंट के पास में कपड़ा व्यापारी और दो युवकों के बीच कहासुनी हो गई। मामूली कहासुनी के बाद युवकों ने कुछ देर बाद अपने आधा दर्जन से अधिक साथियों के साथ मिलकर व्यापारी की दुकान में हमला कर दिया, जहां दुकान संचालकों सहित अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, आरोपियों के ने दहशत फैलाने की नीयत से दुकान में चाकू लहरा दिए। मामले में पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी के नंबर के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार प्रशांत जैन और प्रदीप जैन दोनों सेंटर पॉइंट के पास में कपड़ों की दुकान का संचालन करते हैं। वहां दो युवक खरीदारी करने पहुंचे थे, जहां आरोपियों ने कपड़े को पसंद करने के बाद से भाव पूछा। सेल्समैन ने 2700 रुपए बताए, तब आरोपियों ने मोल भाव करते हुए कपड़े के आधे भाव लगा दिए। इस पर प्रशांत ने दोनों युवकों से कहा कि आप नहीं ले पाओगे कपड़े। के बाद में आरोपियों और दुकानदारों के बीच बहसबाजी हो गई। कुछ देर में युवक वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद में युवक अपने दो अन्य साथियों के साथ में अलग अलग दो पहिया वाहनों से प्रशांत दुकान पहुंचे। वहां दोनों भाइयों सहित कर्मचारियों की भी आरोपियों ने धुनाई कर दी और चाकू लहरा दी। उसके बाद में आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।